क्रिटिसिज्म स्टार्ट्स विद द ग्रीक मास्टर्स एंड द फर्स्ट मास्टर वॉज प्लेटो. प्लेटो डेट ऑफ बर्थ इज जनरली पुट डाउन एट 427 BC, बट ही सर्टेनली डाइड इन 348 BC. प्लेटो वॉज द मोस्ट सेलिब्रेटेड डिसिपल ऑफ सॉक्रेट्स. सॉक्रेट्स एट द एज ऑफ प्लेटो द ग्लोरी ऑफ एथेनियन आर्ट एंड लिटरेचर इलस्ट्रेटेड इन द वर्क्स ऑफ आर्टिस्ट लाइक फिडेस एंड पॉलिग्नोटस एंड राइटर्स लाइक एस्चाइलस, सोफोकल्स, यूरिपिडीज एंड एरिस्टोफेन वॉज ऑन द वेन एंड देयर प्लेस वॉज टेकन बाय फिलोसफी एंड ऑरिटरी, ऑफ विच द चीफ प्रिस्ट वेयर पैरमेंडिस, एपिडकल्स, सॉक्रेट्स एमंग द फिलोसफर्स एंड जॉर्जियस, एंटीफोन्स एंड लेसिया. इन प्लेटो के टाइम में जो मेनली ज़्यादा जो चीज़ चलती थी वो आर्ट आर्ट थी, मतलब लिटरेचर के बारे में चलती थी. आर्टिस्ट हुआ करते थे, मतलब फिलॉसफी होते थी, ओरेटरी होती थी, बट क्रिटिसिज्म क्रिटिक क्रिटिसिज्म नहीं होता था. तो प्लेटो जो थे ही स्टार्टेड विथ एंशियंट ही स्टार्टेड डूइंग क्रिटिसिज्म व्हेन क्रिटिसिज्म वाज एट इट डार्कनेस. प्लेटो इमर्ज एज ए सिस्टमैटिक क्रिटिक. प्लेटो ऑल्सो यूज टू राइट पोएम व्हेन ही मेट सॉक्रेट्स, बट ही आफ्टर सम टाइम ही डिस्ट्रॉयड हिज पोएम एंड ही मूव टूवर्ड्स मैथ्स एंड फिलोसफी. लेटर ही डिड हिज मास्टर्स, ही डिड इन मैथ्स एंड फिलोसफी. ही टुक पार्ट इन एथेनियन वॉर इन 487 BC. ही मेड हिज ओन अकेडमी वेयर ही टॉट हिज स्टूडेंट फिलोसफी. मेनली प्लेटो वॉज नॉट अ प्रोफेस्ड क्रिटिसिज्म क्रिटिक ऑफ लिटरेचर. ही जस्ट ही स्टार्टेड डूइंग. ही वॉज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन एट दैट टाइम. सम ऑफ द वर्क्स ऑफ प्लेटो लाइक आयन, क्रैटिलस, प्रोटैगोरस, जॉर्जियस, सिंपोजियम, रिपब्लिक, फेडरस, फिलेबस एंड लॉस, दीज वेयर सर्टेन वर्क्स डन बाय प्लेटो. मेनली ही क्रिटिसाइज इन हिज बुक रिपब्लिक. वॉट वॉज हिज व्यूज ऑन आर्ट? हिज व्यूज ऑन आर्ट वॉज दैट, मतलब एज लिटरेचर इज एन आर्ट लाइक पेंटिंग, स्कल्पचर एंड अदर. वॉट प्लेटो थॉट ऑफ आर्ट इन जनरल डिजर्व द फर्स्ट कंसिडरेशन. इट इज इमिडिएटली बाउंड अप विथ वॉट इज कॉल्ड हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज. मीन्स ही हैड गिवन हिज ओन आइडियाज ऑन आर्ट ओनली अ टाइप ऑफ इंजॉयमेंट फॉर पीपल. इन पर्टिकुलर वर्ड ही हैज यूज पास टाइम. मतलब लिटरेचर, पेंटिंग्स, कल्चर, दीज ऑल आर द पास टाइम फॉर पीपल. दीज आर नॉट रियालिटी. ही सेज दैट आर्ट इज नॉट अबाउट रियालिटी. आर्ट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इमेजिनेशन. नाउ अबाउट पोइट्री, वी हैव सम प्लेटोज व्यूज ऑन पोइट्री इन हिज बुक रिपब्लिक. ही सेज थ्री थिंग्स अबाउट पोइट्री. फर्स्ट, मतलब हाउ अ पोएट डू पोइट्री. फर्स्ट इज इंस्पिरेशन, सेकेंड इज इमिटेशन एंड थर्ड इज कंडेमनेशन. अ पोएट डू पोइट्री व्हेन ही गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज सेंसेस. ही इज पावरलेस विदाउट सेंसेस. पोइट्री इज नॉट अ क्राफ्ट, मतलब जिसको सीखा जा सके. पोइट्री ओनली टेल्स अबाउट डिवाइन ट्रूथ, मतलब वॉट यू फील. पोइट्री पोएट इज ऑलवेज बींग इंस्पायर्ड. इन हिज पोएटिक इंस्पिरेशन ही कंपेयर्स पोएट्री एंड फिलोसफी एंड कीप्स फिलोसफी ओवर पोएट्री. ही सेज दैट पोएट्री इज मतलब ही सेड दैट ऑफन नो डाउट द पोएट्स अटरेंस कंटेन अ प्रोफाउंड ट्रूथ, बट दिस अपीयर्स ओनली व्हेन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ फर्दर टेस्ट, द टेस्ट ऑफ रीजन. एंड पोएट्री देयरफॉर कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ फिलोसफी. ही ऑलवेज keeps philosophy over poetry because for Plato poetry is nothing. Poetry is not a reality. It is just just a source of entertainment or just a thought of a. Now this was the inspirational appeal of poet, and now second we have emotional appeal of poetry. Plato's next charge against poetry arises from its appeal to the emotions. Being a product of inspiration, it affects the emotion rather than reason, the heart rather than the intellect. Means Plato says that these poetry affects much to our emotion.
प्लेटो इज़ वेरी मच लॉजिकल इन हिज अप्रोच फ्रॉम हिज स्टडी. प्लेटो को पढ़ने से पता चलता है कि ये अपने अप्रोच में बहुत लॉजिकल रहे हैं, और इनको जो ये जो पोइट्री का जो इमेजिनेशन पार्ट है, पोइट्री का जो प्लीजिंग पार्ट है, ये प्लेटो को पसंद नहीं है. इनका कहना है कि लोग इस तरह से क्या हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, और वो अपने सिचुएशन को भी मतलब इमोशनली देखने लगेंगे रादर देन लॉजिकली. तो इस यही रीज़न है जिसके वजह से प्लेटो जो है पोइट्री और पोएट दोनों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और कहते हैं कि जो पोएट होते हैं और जो पोइट्री करता है दोनों ही अच्छी चीज़ नहीं है. ऐसा प्लेटो का मानना है अपने बुक रिपब्लिक में. मतलब उनका कहना है कि पोइट्री जो है वो इमोशन पे ज़्यादा फोकस करती है रादर देन इंटेलेक्ट. मतलब इंसान की बुद्धि वहाँ काम नहीं आती, वो ज़्यादा अपने हर्ट की तरफ झुकाव कर देता है. सो फाइनली पोइट्री फेड एंड वॉटर्ड द पैशंस इंस्टेड ऑफ ड्राइंग देम अप एंड लेट देम रूल इंस्टेड ऑफ रूलिंग देम एज दे आउट टू बी रूल्ड विद अ व्यू टू द हैप्पीनेस एंड वर्च्यू ऑफ मैनकाइंड. दीज आर द वर्ड्स ऑफ प्लेटो विच सेज दैट पोइट्री जो है वो क्या करती है, हमारे अंदर के इमोशन को पानी डालती है उसको. और लोग जब इमोशनल हो जाते हैं तो वो कमज़ोर हो जाते हैं, और उनकी जो दिमाग है, उनका जो खुद का लॉजिक है, वो सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है प्लेटो के हिसाब से. तो ये भी एक पोइट्री में अच्छी चीज़ नहीं है. Now finally Plato indicates poetry for its lack of concern with morality. According to Plato के हिसाब से poetry morality का बहुत अभाव होता है. It pained Plato to see virtue often coming to grief in the literature esteemed in his day. The epics of Homer, the narrative verse of Hesiod, the odes of Pindar and the tragedies of Aeschylus, Sophocles and Euripides, in his own word from Republic, they gave us to understand that many evil lives are happy and many righteous men unhappy, and that wrongdoing, if it be undetached, is profitable, while honest dealing is beneficial to one's neighbor but damaging to oneself. Means ये जो non moral character है poetry का, ये भी Plato को बिल्कुल पसंद नहीं आता. प्लेटो के हिसाब से कि पोइट्री में जो है नॉन मॉरल कैरेक्टर्स होते हैं, जो जो ईविल होते हैं वो खुश रहते हैं, वो ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, और जो राइटियस मैन होते हैं, जो सही आदमी होते हैं, वो अनहैप्पी होते हैं. रॉन्ग डूइंग को पोइट्री सही करती है, और सही डूइंग को पोइट्री क्या करती, जो सही होते हैं उसको सफ़र कराती है. एंड नाउ वी विल कम टू फंक्शन ऑफ पोइट्री. इन द फंक्शन ऑफ पोइट्री Plato says a poet is a good artist only in so far as he is a good teacher. In a famous passage in the Republic, he says he must look for artists who are able out of the goodness of their own natures to trace the nature of beauty and perfection, that so are young men like persons who live in a healthy place may be perpetually influenced for good. Poetic truth must be the highest truth, ideal form of justice, goodness, beauty and the like. जो पोइट्री करता है, जो पोएट होता है, वो एक अच्छा टीचर भी होना चाहिए. उसको उसके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो अच्छे से ब्यूटी नेचर को अच्छे से जज कर सके, उसको समझ सके. उसके अंदर इतनी समझदारी होनी चाहिए कि वो जो है पोइट्री के साथ जस्टिस करे और उसकी जो असली सुंदरता है उसको लोगों के सामने लेकर के आए. एक अच्छा टीचर ही एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, एक अच्छा पोएट हो सकता है. एंड नाउ सेकेंड वर्क, सेकेंड ही सेज अबाउट पोइट्री दैट इट इज़ इमिटेशन. मतलब पोइट्री इज़ कंपेयर टू पेंटिंग, पोएट्स ओनली कॉपी और इमिटेड इन हिज पोइट्री. बट प्लेटो इज़ बीइंग क्रिटिसाइज फॉर दिस व्यू. मतलब प्लेटो को ये चीज़ नहीं पसंद आता है कि पोइट्री जो है क्या एक इमिटेशन है, कि वो किसी भी चीज़ को इमिटेट करता है, चाहे वो पेंटिंग हो, पोइट्री हो. इसीलिए और यही इसी जगह पे प्लेटो फेल टू अंडरस्टैंड पोइट्री. हाउएवर द वर्क एट दैट टाइम वाज नॉट लाइक्ड बाय प्लेटो. इन एंड थर्ड वी हैव कंडेमनेशन. इन दिस ही ट्राइड टू पुट फिलॉसफी ओवर पोइट्री. प्लेटो सेज पोइट्री इज इमोरल, इमोशनल पोएट्स लाइड टू अस अबाउट गॉड, इंटेलेक्ट पोएट
talk, irrational. These were the total views of Plato about poetry, and so he criticized in his book Republic. And now we will see some Plato's achievement, fine arts, useful art. So Philip Sidney said that he did not say whole poetry wrong. He only rebukes to bad poetry. Plato's view on poetry is according to his circumstances. Actually, Plato wanted an ideal world, and the Aristotle, he was very realistic. So this was overall view of Plato's criticism, how he criticizes. Thank you.